हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल अनमोल वचन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे करें बारिश के मौसम में स्किन और बालों की देखभाल। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। बारिश का मौसम आने से हमें गर्मी से बहुत ही राहत मिल जाती है, क्योंकि बारिश के आने से मौसम में नमी आ जाती है जिससे गर्मी कम होती है। लेकिन बारिश का मौसम आते ही हमें अपनी स्किन की भी बहुत ही फिक्र होने लगती है, क्योंकि बारिश के मौसम में स्किन से रिलेटेड कई समस्याएं जैसे स्किन इन्फेक्शन, ऑयली स्किन, पिंपल्स आदि आने स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए बारिश के मौसम में हमें अपने स्किन का खास ख्याल रखना चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको बारिश के मौसम में अपनी स्किन का ध्यान कैसे रखना चाहिए, जिससे आप इस मौसम में होने वाले स्किन प्रॉब्लम से बच सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको हमारी वीडियो को अंत तक देखना होगा, जिससे कि आपको इसकी सारी जानकारियाँ मिल सके। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। अब आइए जान लेते हैं कि बारिश के मौसम में हमें अपनी स्किन के लिए किस प्रकार देखभाल रखनी चाहिए, जिससे कि आप इस मौसम में होने वाले स्किन इन्फेक्शन से बच सकते हैं। नंबर वन, लाइट मेकअप करें। बारिश के मौसम में हैवी मेकअप नहीं करना चाहिए, इस मौसम में हल्का मेकअप ही करना चाहिए, क्योंकि बारिश के मौसम में मेकअप खराब हो जाता है, जिससे आपकी स्किन भी अच्छी नहीं लगती, साथ ही इसके साथ आपकी स्किन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। इसलिए आपको इस मौसम में लाइट मेकअप ही करना चाहिए। नंबर टू, अपने फेस को बार बार हाथों से ना छुएं। बारिश के मौसम में आप बार बार अपने फेस को ना छुएं, क्योंकि इस मौसम में स्किन इन्फेक्शन होने की ज्यादा संभावना होती है। अगर आप बार बार अपने फेस को टच करेंगे तो आपको स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, तो आपको इस बात का भी अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। नंबर थ्री, घर पर बने फ्रूट्स फेस पैक का ही यूज करें। इस मौसम में आपको घर पर बने फ्रूट फेस पैक का यूज करना चाहिए, जैसे पपीते संतरे से बने फेस पैक, क्योंकि इससे आपकी स्किन ग्लोइंग रहता है और आपको फेस पर पिंपल्स आने की समस्या से भी निजात मिलता है। नंबर फोर, स्किन को बार बार साबुन से ना धोए। बारिश के मौसम में अपने फेस, हाथ और पैरों को दिन में 2 से 3 बार धोना चाहिए। आप फेस को धोने के लिए बार बार साबुन का प्रयोग ना करें और जितना हो सके अपनी स्किन को बारिश के पानी से बचाकर रखें। और जब भी आप बाहर से आए तो अपने फेस, हाथ और पैरों को हल्के गुनगुने पानी से वॉश कर लें और फिर किसी भी साफ कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ लें। नंबर फाइव, टोनर का इस्तेमाल करें। आप स्किन पर टोनर का इस्तेमाल रोज करें। गुलाब जल एक अच्छे टोनर का काम करता है, तो आप गुलाब जल का भी यूज कर सकते हैं। नंबर सिक्स, रोज 4 से 5 गिलास पानी जरूर पिएं, जिससे आप हाइड्रेटेड रहें। बारिश में अक्सर लोग कम पानी पीते हैं, लेकिन ये आपके हेल्थ और स्किन के लिए सही नहीं है, तो इसलिए आप दिन में कम से कम 4 से 5 गिलास पानी जरूर पिएं। ये आपको पूरी तरह से हाइड्रेटेड रखेगा और साथ ही आपके चेहरे पर ग्लो भी आएगा। नंबर सेवन, स्क्रब करें। स्किन से धूल मिट्टी को हटाने के लिए आपको हफ्ते में 2 से 3 बार किसी भी अच्छे स्क्रबर से स्क्रब करना चाहिए, जिससे आपकी स्किन क्लीन रहेगी। नंबर एट, पैरों का रखें खास ख्याल। बारिश का सबसे ज्यादा इफेक्ट आपके पैरों पर पड़ता है, तो जब भी आप बाहर से आए तो हल्के गुनगुने पानी में आधा चम्मच नमक डालकर अपने पैरों को उस पानी से धो लें, इससे आपके पैर इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। तो इस प्रकार आप बारिश के मौसम में अपनी स्किन का ध्यान रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल अनमोल वचन को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।